नमस्कार स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक एफबीटी 95 एंड बीएससी एफएसटी 95। सो टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स सेंसरी वैल्यूएशन इज केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वालिटी पैरामीटर एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजियो केमिकल एनालिसिस। सो फिजिकल केमिकल एनालिसिस दिस इज वट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस ऑल्सो। सो इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच इज अकरिंग इन अ फूड ड्यूरिंग द स्टोर ओके एंड ड्यूरिंग द स्टोरेज जितनी भी आपकी फूड में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसको ये एनालिसिस मेजर करता है। उसके बाद इस एनालिसिस का जो पूरा डाटा आता है, पूरा रिजल्ट आता है, वो आपका सेंसरी पैनल वाले उनको कंफर्म करते हैं। जनरली इसमें आपका पीएच, मॉइस्चर, एसिडिटी, सॉल्ट कंटेंट, टीएसएस कैलकुलेट करे जाते हैं और इसमें आपका वाटर एक्टिविटी भी कैलकुलेट किया जाता है। सेकेंड इज माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस इट डिटरमाइन द माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके सो एज द नेम सजेस्ट इट डिटरमाइन और इट्स लीड्स टू द स्पॉइलेज। मतलब ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक स्पॉइलेज उसमें हो सकता है, उसमें जो जो आपके पैथोजेनिक ग्रोथ किस किस माइक्रोब्स की हो सकती है और कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्गर टाइम तक सेफ रख सकते हैं। तो ये उसकी सेफ्टी से, उसकी क्वालिटी से डिटरमाइन पूरा उसको बताता है अच्छे से। एंड देन इसमें सर्शिया कोलाई हो गया, आपका ईस्टर्न मोल्ड्स हो गया, टीपीसी हो गया, कोलीफॉर्म हो गया। तो ये आपके जितनी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी आपके मोल्ड होते हैं, वो पर्टिकुलर फूड आइटम्स में होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये सब इस एनालिसिस के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं। सो बट स्टार्ट विद द केमिकल पैरामीटर। केमिकल पैरामीटर हमने बात की थी कि मतलब आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं फूड की उससे डील करता है। तो इन दिस पैरामीटर फर्स्ट मेथड इज योर पीएच वैल्यू। सो व्हाट इज पीएच? पीएच एज यू ऑल नो इट्स अ पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट्स अ पीएच वैल्यू ऑफ अ फूड इज डायरेक्टली अ फंक्शन ऑफ अ फ्री हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ फूड। ठीक है, तो पीएच वैल्यू किसी भी फूड की क्या होती है? उसका उस फूड का मतलब उस कितने उसमें हाइड्रोजन आयन, फ्री हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है वो डिपिक्ट करती है। एसिड प्रेजेंट इन अ फूड रिलीज दिस हाइड्रोजन आयन। जितना भी आपका फूड अगर जितना ज्यादा एसिडिक है उसमें उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे और एसिड होने के वजह से आपके फूड में खट्टापन और सोर फ्लेवर डेवलप होता है। ठीक है, दस पीएच में बी डिफाइन एज द मेजर ऑफ फ्री एसिडिटी। तो हम जब एसिडिटी के कंटेंट में बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो पीएच वैल्यू। ठीक है, तो अगर एसिडिटी की बात हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें पीएच वैल्यू या पीएच मेथड का यूज हो रहा है। सेकेंड इज योर मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? किसी भी फूड में आपका किसी भी सैंपल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, मॉइस्चर जैसे आपका एक प्राइमरी कॉज होता है स्पॉइलेज का। सो मॉइस्चर आपका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला जो आपका इसने दे रखा है वो एओएसी आपकी एक बहुत बड़ी लैबोरेटरी मैनुअल है और उसके द्वारा ये आपका मॉइस्चर का फॉर्मूला दिया गया है। ग्राम पर 100 ग्राम सैंपल में आपका कितना मॉइस्चर होता है कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनिशियल वेट जो होता है माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय द वेट ऑफ द सैंपल इंटू 100। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला इसको हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट आप क्या करते हैं, इसमें कोई भी आप जो वेट होता है सैंपल का वो लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुकीज बनाई, आपने कुकीज का वेट लिया एंड देन आपने उन कुकीज को ड्राई करने के लिए अवन में डाल दिया। ठीक है, आफ्टर जब वो अवन से आई तो उसके बाद फिर उसका हमने एक वेट लिया। ठीक है, तो वो जो हम आफ्टर वेट लेते हैं वो फाइनल वेट में आता है। इनिशियल वेट में जो उसका एट द प्रेजेंट वेट था वो, और वेट ऑफ द सैंपल में भी आपका सेम आता है इनिशियल वेट। ठीक है, इंटू 100। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो टोटल मॉइस्चर कितना उसमें है अभी वो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड्स आपके मॉइस्चर कंटेंट के रिलेटेड है और इसमें आपका ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड होती है। थर्ड पैरामीटर जो आपका वो क्या है, वाटर एक्टिविटी का। वाटर एक्टिविटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्री और अवेलेबल वाटर विद इन द फूड विच इज नॉट बाउंड टू द फूड मॉलिक्यूल्स। दैट इज वाटर विच इज अवेलेबल इन अ फूड टू सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब वाटर एक्टिविटी में जितना भी आपका मॉइस्चर या जितना भी आप बोल दो वाटर है वो किसी भी आपके फूड पार्टिकल्स या किसी न्यूट्रिएंट का मॉइस्चर नहीं है, वो इटसेल्फ आपका एक फ्री वाटर स्टेट है जो आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। वाटर एक्टिविटी का एक स्केल होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और 100 तक का होता है। 0% वाटर अवेलेबल टू 100 वाटर अवेलेबल। ठीक है, तो 0 से 100% का स्केल होता है आपका वाटर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करने के लिए।
वाटर एक्टिविटी और मॉइस्चर में अब डिफरेंस क्या होता है? वाटर एक्टिविटी इज नॉट द सेम एज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ फूड. अब यहाँ एग्जाम्पल के उससे समझा रखा है, दैट इज जैम हैव हायर मॉइस्चर कंटेंट बट द मॉइस्चर इज बाउंड टू द शुगर इन जैम एंड अनअवेलेबल टू द माइक्रोबियल ग्रोथ. आप सबको पता है जैम होता है, जेलीज होती है, केचअप होता है, ये सब आपकी क्या है, इसमें आप प्रिजर्वेटिव डालते हो और लॉन्गर टाइम तक आपका जो फूड होता है वो प्रिजर्व रहता है. जैसे जैम आपका इजिली इतनी जल्दी खराब नहीं होता, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है. अब बनता तो वो भी फ्रूट्स का है, बट फ्रूट्स तो आपके सारे पेरिशेबल होते हैं, बट अब जब उसको जैम की फॉर्म में बनाते हैं तो वो लॉन्गर टाइम तक चलता है. अब इसका रीजन क्या है, एक तो प्रिजर्वेटिव्स है प्लस उसमें शुगर डलती है. अब शुगर क्या करती है, सारा जितना ही मॉइस्चर है उसको अपने साथ बाउंड कर लेती है, ठीक है, फ्री मॉइस्चर नहीं होता है. तो फ्री मॉइस्चर नहीं है, इट मीन्स कि जैम की क्या है, जैम में वैसे मॉइस्चर कंटेंट तो हाई होता है बट उसकी वाटर एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है. क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि वाटर एक्टिविटी आपका क्या होता है, फ्री मॉइस्चर, और यू कैन से वाटर विच इज अवेलेबल इन इट्स फ्री फॉर्म. तो अगर फ्री फॉर्म है तो मतलब वाटर एक्टिविटी भी ज्यादा है. बट एज यू कैन सी जैम में जितना भी शुगर होता है वो सारा मॉइस्चर अपने साथ बाउंड कर लेता है, तो जितना भी मॉइस्चर होता है वो अनअवेलेबल हो जाता है या फ्री स्टेज पे नहीं होता है. तो हेंस वी कैन से कि जैम की क्या है, आपकी मॉइस्चर कंटेंट तो हाई है बट वाटर एक्टिविटी क्या है, लो है, ठीक है. मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एट वाटर एक्टिविटी ऑफ लेस देन 0.6, ठीक है, 0.6 आपकी, इससे कम आपकी जितनी वाटर एक्टिविटी जिस भी फूड में होती है वहां माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है. और मेजोरिटी अगर आप देखें तो 0.9 तक आपका जो होता है वो आपका ग्रेटर, मतलब सबसे ज्यादा इसमें आपकी कोई एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं आती है. लाइक पीएच, वाटर एक्टिविटी ऑफ अ फूड कैन बी चेंज विद टाइम ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मुलेशन. मतलब कि वाटर एक्टिविटी भी आपकी करती है, वेरी करती है, बिकॉज उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी कब तक हो रही है, प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन क्या है उसमें, फॉर्मुलेशन मतलब क्या क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें एड ऑन हो रखे हैं, ठीक है. नाउ इन दिस चार्ट यू कैन सी देयर आर सम एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास कुछ कॉमोडिटी दे रखी है और उनकी वाटर एक्टिविटी बता रखी है. जैसे स्टार्ट वाटर की आपकी डिस्टिल वाटर की है, फ्रेश मिल्क की है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की है, ठीक है. तो ये आपका एज एन एग्जाम्पल आपके पास पूरा चार्ट है जो आपको मतलब कॉमन पता होने चाहिए किस किस चीज की, तो वो आपको यहाँ पे डिपिक्ट कर रखा है. नाउ दिस इज ऑल विद योर केमिकल पैरामीटर्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट माइक्रोबियल एनालिसिस. तो माइक्रोबियल एनालिसिस, माइक्रोबियल टेस्टिंग क्या है किसी भी फूड प्रोडक्ट की, इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर और केमिकल मेथड फॉर द डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ मटीरियल. मतलब आपका फूड, ड्रिंक्स, किसी भी क्लिनिकल सैंपल में, एनवायरमेंट में आपका, जब हम देखते हैं कि क्या माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये माइक्रोब्स प्रेजेंट करने की मेथड हमारी बायोलॉजिकल भी हो सकती है, बायोकेमिकल भी हो सकती है, मॉलिक्यूलर भी हो सकती है और केमिकल्स भी हो सकती है, ठीक है. तो ये सारी मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं. एंड हेयर आर सम माइक्रोबियल टेस्ट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ आपके मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो आपके हर फूड प्रोडक्ट्स में करे जाते हैं टू चेक कि इस फूड प्रोडक्ट में कौन से माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है. तो पर्टिकुलर इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कुछ माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको कोट करने हैं, ठीक है. इसके बाद जो आप लैब टेस्टिंग होती है वो आप बहुत ही आपका थोड़ा आउट ऑफ कोर्स है, तो फिर ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसमें. इसमें बेसिकली क्या होता है, ऐसे कोई भी बैक्टीरिया है, ऐसे फॉर एग्जांपल आपका इसर्शिया कोलाई है, तो उसका कल्चर बनाते हैं और उस कल्चर में आपका फिर वो फूड प्रोडक्ट रखते हैं और फिर देखते हैं उसमें उसकी ग्रोथ होती है कि नहीं होती है. अगर होती है तो इट मीन्स कि इसर्शिया कोलाई से वो क्या है, प्रोन है. अगर नहीं होती है तो वो आपका कट हो जाता है, ठीक है. फिर ऐसे ही हम बहुत आपकी ईस्ट होती है, मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, आपकी फंजाई होती है, आपके अदर बैक्टीरियाज होते हैं, सेल्यूमिनिया स्पीशीज होती है, तो आपके ये सब बैक्टीरिया उसमें हम असिस्ट करते हैं. तो दिस इज ऑल विद दिस सेशन ऑफ केमिकल एंड माइक्रोबियल एसे. इन केस ऑफ एनी डाउट फर्दर यू मे आस्क इन अ कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू ऑल.